अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रैक्स ट्रेडिंग। आज के एनालिसिस करते हैं और आज की जो डेट है वो 25 जनवरी 2023 और वेडनेसडे का दिन है आज। और आज हम देखेंगे गोल्ड में क्या सिचुएशन बनी हुई है, सब गोल्ड और डॉलर की दोनों की देखेंगे। ये गोल्ड है, ये डॉलर है, ठीक है होगी बात। अभी हम गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं। ये लें जी, ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। गोल्ड में डेली की अगर बात की जाए तो ये देखें आप लोग 1930 पे मार्केट चल रही है और सेलिंग पोजीशन बन रही है। अब आप लोगों ने करना है क्या है जी, यहाँ पे रखें कर्सर लेके आपको सिग्नल बना के देता हूँ। 1936 से सेल करें, SL अपना लगा लें, 1942 लगा लें, 36 से 42 लगा लें, 60 पिप का SL और TP1 आपने 36 से जब करना है तो 26 पहला TP, 26 के बाद 16 दूसरा TP। ट्रेड सुनने में लिख के बता देता हूँ जी, सेल करें कहाँ से, 1936 से सेल करें आप लोग। सेल TP आपने लगाना है 1926, दूसरा TP 1917, ठीक है। SL लगा लेना आपने 1942, ठीक होगी। ये सिग्नल है आज का। इसके अलावा बात ही सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, शॉर्ट वीडियो है, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनने वाला। और ये मार्केट है अपने टॉप के एरिया पे, ये देख रहे हैं ये किस टाइम भी गिर सकती है। ये बहुत छोटे दिमाग लेवल से उठी हुई है मार्केट, ऊपर की तरफ बाई 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 है। तो सेल इसकी शुरू होने वाला है, इन करीब इसकी शुरुआत हो जानी है सेलिंग के ऊपर ना। और ये सिर्फ बार बार नीचे आके बाई चली जाती है, ज़्यादा ट्रेंड जो है ना इसका बाई है, मेन ट्रेंड इसका बाई है। उसकी मैं कर्सर लेके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आई मार्केट, लो लगाया एक बार इसने 1910 का, फिर यकदम ऊपर। कल भी इसने ऐसे किया, फिर आई 1916 फिर डायरेक्ट ऊपर। इसे काफ़ी दिन से ये ऐसे कर रही है इस तरह। और ये कैंडल्स भी ऐसी इन्वर्टेड हैमर बना रही है, हैमर ही बना रही, इन्वर्टेड हैमर नहीं है, हैमर है। ये वाली कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल देख रहे हैं आप लोग, और ये कैंडल यानी कि इनका बॉडी ऊपर की तरफ है, यानी मार्केट खींच के ऊपर, जैसे मिसाइल नहीं होता वो ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से जैसे पतंग आ ले आप लोग, वो हवा में उड़ता तो ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे से डोर होती है, तो यानी कि वो जोर लगा रहा है कि ऊपर उड़ाओ इसे, गोल्ड ऊपर फ्लाइंग करना चाहता है। लेकिन ये फ्लाइंग सिर्फ एक कहते हैं साइकोलॉजी, जिसमें कहते हैं साइकोलॉजी है, वो जो लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये इसी के तहत ना, ये तकरीबन इंसान को इस नफ्सियात के ऊपर चलते हुए भी शायद जब भी बाय जाएगा। सैम्पल तो वैसे बाय के बने हुए हैं टेक्निकली, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक बार हो सकता चले भी जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि ये अगर मज़ीद इस तरह कुछ और पंगे करते हैं ना गोल्ड में, नीचे आता है फिर ऊपर, नीचे आता है फिर ऊपर उठता है। तो यहाँ अब हर से जैसे पहले हम सेलिंग भी करते हैं ना, 1600 सेल, 1700 सेल, 1800 सेल, सेल 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 सेल, अब लोग क्या करेंगे, सेल से आ जाएंगे तंग, ठीक होगी बात। अब समझना बात को, जब सेलिंग से अब बिल्कुल हर बंदा तंग आ जाएगा, ये अब सेल नहीं, अब बाइंग करना है, अब एवरी डिप से बाइंग करना शुरू कर देंगे और मार्केट इसी तरह सेल जाती रहेगी, वहाँ बाय की एंट्री करती रहेगी। जब मार्केट सेल बाय गई है, लोग सेल की एंट्री करते रहे, एवरी टॉप सेल, एवरी टॉप सेल, एवरी टॉप, मार्केट ने कोई भी सारे अपने ब्रेक किए टॉप जितने भी थे, और इसी तरह आप बाय में अभी बैठाएगी वहाँ को, अभी माइंड के सेलिंग की तरफ ही है लोगों के। वो भी मज़ीद मैं कह रहा हूँ ना, मज़ीद अगर ये इस तरह यहाँ पे गेड़े लगवाती है, गोल्ड यहाँ पे आता है फिर ऊपर निकाल देता है, फिर यहाँ फिर ऊपर, फिर यहाँ पे आदत बना देगी बाइंग की ना, इन एरिया से लोग बाइंग करेंगे। और एक ही बार इसने झटके से ये लेवल ब्रेक करना, और 1800 ये यहाँ पे एक ही बार मार्केट ज़ोर से नीचे की तरफ आएगी। अभी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, कहाँ से 1913 हो गया, 1917, 1920 ये रिजेक्ट हो रही है मार्केट। मज़ीद ये दूसरे 2000 लगा ही दे, लेकिन सब लोगों ने एहतियात करनी है, ऐसा ना हो कि फिर आप एवरी सिंगल डिप से बाइंग में फंसे रहें। मार्केट ऑलरेडी यार 1930 का एरिया है, कोई स्मॉल एरिया नहीं है, 1600 से मार्केट चली हुई है। ये आप नीचे देखें बैक साइड पे जाके, ये 1600 से लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। तो यार इसका अब ये जिस तरह ये ऊपर गई है ना, इस तरह से अब नीचे भी आना है, ठीक होगी बात ना, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा सब लोग। अच्छा आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ये थोड़ी लंबी बात कर दी है। अच्छा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात होगी, ये देखें जी, ये भी इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है,
नीचे की तरफ मूव कर रहा है गोल। 1930 आपके सामने आ गया है। ये सपोर्ट्स होने कर्सर लेके बताता हूँ, ये लगी हुई एक डेड सी लाइन ना, ये 1920 कल भी मार्केट यहाँ से आके रिजेक्ट होगी। ये पहले की लगी हुई थी, कल आपके सामने लगाई थी, बल्कि ये सपोर्ट ना ये कल आपके सामने लगाई थी। वीडियो देख लें आप लोगों को नज़र आ जाएगा, जब ये ऊपर ही थी फिर इसको मैं नीचे ले आया था। अच्छा 1920 कल 17 लगा के ऊपर निकल गई मार्केट, 100 भी प्रॉफिट दिया। कोई फॉलो करे ना करे, दूसरी 1913 ये आप लोगों के सामने लाइन मैंने लगाई हुई है रेड कलर की। 1913 के बाद 1907, 1907 के बाद ये है 1896, ये सपोर्ट सी लगी हुई है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही होंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं। ये ऊपर से आप लोग रेजिस्टेंस लगानी है तो ये 1940 है, 42 हमारा SL है। ठीक होगी बात, और अभी हम सेलिंग की तरफ करेंगे एंट्री। बाय चला जाए, जा तो बाय ही रहे, ट्रेंड तो इसका ओवरऑल बाय है, लेकिन ऊपर से मैं बाइंग से ज़्यादा डर लगता है। नीचे से भी अगर आप लोग सेल की एंट्री करते रहें तो ऊपर से जाके बाइंग, लेकिन ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। सपोर्ट डिस्टेंस से आप ज़रूर आउट ऑफ ऑर्डर करें, लेकिन SL छोटा हो TP आपको बड़ा होना चाहिए। और मज़ीद इसमें अगर H1 की बात कर लें, H1 में देख लेते हैं क्या पोजीशन है। लें जी ये H1 है, ये देखें अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर नज़र आ रही होंगी। ये देखें आप क्या हुआ है, मार्केट ने अगले दिन पहले ये कल हुआ है, कल मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है 1920 के 27 एरिया से। आप लोगों के सामने वो लाइन लगी हुई थी, ये पहले की लगी हुई है, मैंने तो नहीं लगाई। अच्छा ये दूसरी 1913 से रिजेक्ट हुई थी, यानी कि हायर हाई बना रही है। ये गई, ये आई, ये गई, अब ये आई थोड़ा सा नीचे, फिर ये ऊपर चली जाएगी। इस तरह भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है कि नीचे आ जाए 1907 की तरफ। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हायर हाई बना रही है, क्या बना रही है, हायर हाई बना रही है, यानी कि ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। गोल्ड जो है ना ऊपर से ऊपर जा रहा है, 1929 आ गया, अभी 1930 चल रहा था। तो आप लोगों ने बाइंग करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ये 21 से SL इसका छोटा ही होना चाहिए, 40-50 पिप का ना, 15 SL, या फिर ये 1900 SL बनता है बड़ा अकाउंट हो तो फिर बंदा यहाँ से भी पाई कर लेता है, यहाँ से भी कर लेता है। बस SL फिर SL लाजमी अकाउंट रिस्क थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, अकाउंट डबल ट्रिपल नहीं करना। अगर डबल ट्रिपल करोगे तो मार्केट उड़ा देगी, ये जो एरियाज है ना यहाँ पे डबल ट्रिपल के चांसेस ना ले कोई बंदा भी, बस अपनी टारगेट थोड़ा बहुत रखे, थोड़ा बहुत निकालते रहे वो सेफ रहेगा। चलेंगे गोल्ड की बात होगी, अब डॉलर की बात कर लेते हैं। ये DXY ना ये डॉलर है। अच्छा जब डॉलर की बात करें तो अल्लाह भला करे आप लोगों का, डॉलर में देखते हैं Day 1 का। ये देखिए डॉलर मैंने आप लोगों को कितनी बार कहते हैं, डॉलर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉलर कल भी यहाँ था आज भी यहाँ पे है। कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 यानी 11-12 दिन हो गए डॉलर, तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। गोल्ड ऊपर से ऊपर जा रहा है, गोल्ड पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा, वो भी ऊपर जाता है नीचे नीचे ऊपर नीचे, वो भी इसी तरह ही रेंज में चल रहा है, लेकिन ओवरऑल हायर हाई ऊपर की तरफ निकल रहा है, डॉलर वहीं पर वहीं रुका हुआ है। तो यानी कि डॉलर अब नीचे नहीं जा रहा, अगर डॉलर ऊपर जाता है तो फिर गोल्ड नीचे आएगा, अगर डॉलर फिर नीचे जाता है तो फिर गोल्ड मजीद ऊपर चला जाएगा। तो ये है जी आज के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।